Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the deletions in the binary search tree. I am purposefully making this lecture in Hindi क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी आती है इस बाइनरी सर्च ट्री के डिलीशन में. और मेरा पर्पस ये है कि मैं इस लेक्चर को इस तरह से बनाऊँ जिससे कि आप उसको डिलीशन प्रोसेस को सीधे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने सिस्टम पर. मेरी प्रीवियस एल्गोरिथम्स भी जो बाइनरी सर्च ट्री की हैं, जो आई होप आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जिसमें इंसर्शन प्रोसेस है, जिसमें डिलीशन है, जिसमें सर्च प्रोसेस है, जिसमें सक्सेसर है और प्रेडिसेसर है, मिनिमम फाइंड करना या मैक्सिमम फाइंड करना, वो सारी एल्गोरिथम्स ऐसे लिखी गई हैं जिसको कि आप सीधे सीधे सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं बाइनरी सर्च ट्री के डिलीशन को. और डिलीशन प्रोसेस में हमें ये जानना होगा कि किसी भी बाइनरी सर्च ट्री के नोड को स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीशन थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम इसमें तीन डिफरेंट केसेस बना लेते हैं. इनमें से एक केस ऐसा है जिसमें कि हम ऐसे नोड को डिलीट करना चाहते हैं जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है. एक केस ऐसा होगा जिसमें कि गिवन नोड के एक ही चाइल्ड होगा, या एक तीसरा केस हो सकता है जिसमें कि गिवन नोड के दोनों चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते होंगे. सो केस वन डील्स विद द जीरो चाइल्ड केस. केस टू डील्स विथ वन चाइल्ड केस, मतलब कि जो गिवन नोड हमारा है उसका एक चाइल्ड है, और जो केस थ्री है वो उस केस को डील करता है जिसमें कि गिवन नोड के एक ही चाइल्ड है. तो इन डिलीशन को परफॉर्म करने से पहले हमें एक छोटा सा ऑपरेशन डिजाइन करना होगा जिसको हम ये कह रहे हैं इज लेफ्ट एंड इज राइट. इज लेफ्ट या इज राइट जो फंक्शन है, ये फंक्शन केवल ये फाइंड करता है कि जो गिवन नोड हमारा है वो अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है या अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस नोड के लिए फाइंड करना चाहें तो ये जो नोड 4 है, दिस इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स फादर. तो हमारा जो इज लेफ्ट फंक्शन है वो ट्रू देना चाहिए पी के लिए, लेकिन अगर मैं इज राइट फंक्शन को कॉल करूंगा पी के साथ तो वो मुझे फॉल्स देगा. सिमिलरली, अगर मैं कहूँ कि ये वाला नोड मेरा टारगेट नोड है, तो ये जो इस नोड के साथ अगर मैं इस लेफ्ट फंक्शन डिजाइन करूंगा तो ये मुझे ट्रू रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा और इस राइट फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा. तो लेट मी डिजाइन अ फंक्शन नोन एज दी इज लेफ्ट फर्स्ट और इज राइट विल बी जस्ट अ रेप्लिका ऑफ दिस. तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक नोड है ये वाला, जिसके पास टू इन्फॉर्मेशन है. इसका एड्रेस पी है और मुझे फाइंड करना है कि ये अपने फादर का लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं है. तो इसके लिए मुझे इसके फादर के पास जाना पड़ेगा. सो आई कैन गो टू द पेरेंट ऑफ दिस. आई होप आपको याद होगा कि जब हम लोग सक्सेसर डिस्कस कर रहे थे तो हमने माना था कि हर नोड में अब चार फील्ड्स होंगी. एक होगा डेटा आइटम, एक होगा लेफ्ट एड्रेस फील्ड, एक होगा राइट एड्रेस फील्ड और एक फादर फील्ड भी होगा. तो मैं किसी नोड के को अगर ये फाइंड करना है कि ये लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं है अपने पेरेंट का, तो मुझे पेरेंट के पास जाना पड़ेगा. सो मैं पेरेंट के पास कैसे जा सकता हूँ? मैं पेरेंट के पास जा सकता हूँ पी डॉट फादर से. तो अगर मैंने पी डॉट फादर को रेफर किया, सो इसका मतलब ये हो गया कि आई हैव रीच टू द फादर ऑफ पी. सो दिस इज द फादर ऑफ पी. नाउ इस नोड के लेफ्ट एड्रेस फील्ड में अगर पी है, ये जो नोड है इसका जो एड्रेस फील्ड है, इसका जो नोड है उस नोड में कई सारी फील्ड्स हैं, उसमें से एक फील्ड लेफ्ट एड्रेस फील्ड होगी. अगर लेफ्ट एड्रेस फील्ड में पी का एड्रेस है तो हम कहेंगे कि गिवन नोड अपने फादर का लेफ्ट चाइल्ड है. लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि ये लेफ्ट चाइल्ड ना होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेक कर रहा हूँ पी मेरा ये नोड है, तो ये जो पी नोड है अगर मैं इसके फादर को रेफर करूँगा तो मैं इस नोड पे पहुँचूँगा, और जब मैं इस नोड के लेफ्ट फील्ड को देखूँगा तो उसमें इस नोड का एड्रेस होगा, तो वो पी नहीं होगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट चाइल्ड नहीं है. तो मेरा आंसर या तो ट्रू में होगा या तो मेरा आंसर फॉल्स में होगा. तो ट्रू या फॉल्स में आंसर देने के लिए सबसे पहले मैंने फादर को रेफर किया और फादर के लेफ्ट चाइल्ड को रेफर किया. अगर फादर के लेफ्ट चाइल्ड में पी का एड्रेस है तो हम कहेंगे कि हमारा गिवन नोड फादर के लेफ्ट फील्ड में पी का एड्रेस हो, इसका मतलब है कि मेरा जो गिवन नोड है वो सही है, लेफ्ट नोड है अपने पेरेंट का, इसलिए मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा? फॉल्स रिटर्न करूंगा. ये जो फंक्शन है वो बहुत अच्छा चलेगा उन केसेस में जिसमें कि किसी नोड का फादर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये उस केस में नहीं चलेगा जिसमें फादर नोड एग्जिस्ट नहीं करता. तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या फादर नोड एग्जिस्ट करता है या फादर नोड एग्जिस्ट नहीं करता. तो इसलिए
एक एडिशनल कंडीशन हमें यहाँ पे शायद लगानी चाहिए थी, और उस एडिशनल कंडीशन से हम ये जस्ट अ मिनट मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, तो मुझे एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहिए था जिससे कि मैं उन कंडीशंस को डील कर पाऊँ जिसमें कि किसी गिवन नोड का फादर एग्जिस्ट ना करता हो तो हम क्या करें। तो यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर p डॉट फादर एग्जिस्ट करता है तो ही मैं जो है ये सारी चीज़ें चेक करूँ कि उसके फादर पे जाके पता करूँ कि इसका लेफ्ट चाइल्ड p ही है या नहीं। लेकिन अगर मेरा फादर एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में मैं फॉल्स ही रिटर्न करूँगा। एक ऐसा नोड जिसका फादर नहीं है उस वो लेफ्ट होने का तो उसका कोई सवाल ही नहीं होता, तो इसलिए मैं इस केस में फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। नाउ इसी तरह से हम इज राइट फंक्शन बना सकते हैं। तो व्हाट विल बी द केस ऑफ द इज राइट, मुझे एक नोड गिवन है जिसका एड्रेस पी है, मुझे फाइंड करना है कि ये राइट अपने पेरेंट का है या नहीं। तो इसके लिए मैं इसके पहले फादर के पास जाऊँगा और फादर के पास जाके उस फादर का राइट फील्ड को एक्सेस कर लूँगा। अगर फादर का राइट फील्ड में पी एड्रेस ही है तो मैं रिटर्न करूँगा ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स। नाउ ये तो उस केस में पॉसिबल है जबकि फादर एग्जिस्ट करता हो, लेकिन अगर फादर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में ये फंक्शन फेल हो जाएगा। तो इसलिए अगर फादर एग्जिस्ट करता है किसी गिवन नोड का, फादर नल नहीं है, तभी आप इस कंडीशंस को चेक करें या आप आगे जाएं, अदरवाइज आप इसको यहीं पे डिक्लेयर करते हैं कि इस नोड का ये जो गिवन नोड है वो अपने फादर का राइट चाइल्ड नहीं हो सकता, सो एल्स रिटर्न फॉल्स। तो हमारे पास एक इस लेफ्ट फंक्शन हो गया और इस राइट फंक्शन हो गया, और हम इस लेफ्ट फंक्शन और इस राइट फंक्शन को कॉल कर लेंगे कभी भी जब भी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इस लेफ्ट फंक्शन और इस राइट फंक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करेंगे। तो हैविंग डिस्कस दीज इस लेफ्ट एंड इस राइट फंक्शन, अब आइए डिस्कस करते हैं अपने डिलीशन के केसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस गिवन ट्री से मान लेते हैं कि एक ऐसा नोड डिलीट करना है, लेट्स से 1 को मुझे डिलीट करना है। तो अगर मुझे 1 इंफॉर्मेशन वाले नोड को डिलीट करना है तो इसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो इसका मतलब हम केस 1 की बात कर रहे हैं जहां पे किस गिवन नोड का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। अगर गिवन नोड का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो इसको डिलीट करने से पहले जो पेरेंट है इस नोड का, जिसके लेफ्ट फील्ड में इसका एड्रेस रहा होगा, इस पी नोड का एड्रेस रहा होगा, जब हम पी नोड को डिलीट कर देंगे तो पेरेंट के लेफ्ट फील्ड में नल होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम मान लें कि मुझे इस 10 वाले नोड को डिलीट करना है, तो इस नोड को डिलीट करने से पहले मुझे इसके पेरेंट के पास जाना पड़ेगा और पेरेंट के राइट फील्ड को नल सेट करना होगा, क्योंकि पेरेंट का राइट फील्ड तो इसका एड्रेस लिया था, लेकिन जब ये नोड डिलीट हो जाएगा तो उसके पास एक इनवैलिड एड्रेस आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे नल सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जब भी ये एल्गोरिथम लिखना है, तो एल्गोरिथम लिखने के लिए जब हम केस 1 के लिए एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा कि जिस नोड की बात कर रहे हैं वो नोड का नेचर क्या है। तो जो नोड है जो डिलीशन के लिए वो पी है, अगर इसका लेफ्ट भी नल है एंड इसका राइट भी नल है, इसका मतलब ये है कि ये जो नोड है हमारा वो लीफ नोड है। और अगर हम लीफ नोड की डिलीशन की बात कर रहे हैं तो लीफ नोड के डिलीशन के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा जो गिवन नोड है डिलीशन के लिए वो लेफ्ट चाइल्ड है अपने फादर का या राइट चाइल्ड है। तो अगर ये नोड अपने फादर का लेफ्ट चाइल्ड है तो उस केस में मैं पी के फादर के पास जाऊंगा और फादर के लेफ्ट नोड को या लेफ्ट फील्ड को नल सेट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले फाइंड कर लिया कि जो मेरा नोड है वो लेफ्ट चाइल्ड है अपने पेरेंट का या राइट चाइल्ड है। तो अगर राइट चाइल्ड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, पी नोड के
फादर के पास जाएंगे और फादर के राइट फील्ड को नल से कर देंगे, करेक्ट। तो इस तरह से हमने इस नोड को डिलीट कर दिया। अभी डिलीट नहीं किया बल्कि हमने केवल नल पॉइंटर सेट किया। डिलीशन का प्रोसेस तीन स्टेप का प्रोसेस होगा जिसमें इस गिवन नोड की इंफॉर्मेशन को हम कहीं सेव कर लेंगे। अगर आपने डाटा लिया है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की जगह डेटा लिख दीजिए, अगर इंफॉर्मेशन लिखा है तो इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, बट डेटा इज अ बेटर वर्ड टू राइट बिकॉज DLR, DLDR उसमें डी को ही रेफर करते हैं डाटा से। फिर इसके बाद इस नोड की मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। सो मेमोरी को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, फ्री नोड फंक्शन को कॉल करके, एंड देन इस एक्स डेटा एलिमेंट जो है ये इसको हम रिटर्न। तो ये मेरा केस वन का डिलीशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया जिसमें कि गिवन नोड के कोई भी चिल्ड्रन नहीं थे। अब आइए हम डिस्कस करते हैं केस टू के डिलीशन की। तो केस टू के डिलीशन का क्या मतलब है कि जिसमें कि किसी गिवन नोड का सिंगल चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो। तो पहले इसको हम समझते हैं कि केस वन का, केस टू का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपको जिस नोड को डिलीट करना है वो है ये वाला नोड, सॉरी नॉट दिस वन बल्कि ये वाला नोड। इस नोड 14 के केवल एक चाइल्ड है। अगर 14 का केवल एक चाइल्ड है और आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो उस केस में इसके डिलीशन के बाद नोड 11 और नोड 12 की लिंकिंग टूट जाएगी। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि नोड 11 और नोड 12 की लिंकिंग टूटे तो उस केस में आपको इन दोनों को लिंक करना पड़ेगा। लिंक कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 14 जो नोड है वो अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है, तो सबसे पहले हम इसके पेरेंट को मार्क कर लेते हैं क्यू और 14 के चाइल्ड को मार्क कर लेते हैं आर। अगर 14 अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है तो पेरेंट का राइट चाइल्ड हम आर को बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मुझे इस 5 को डिलीट करना है, तो ये जो 5 हमारा डिलीट हो रहा है इसके डिलीशन के बाद लिंकिंग ऑफ 4 और 6 मिस हो जाएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए मैंने 5 के पेरेंट को मेंशन किया क्यू और 5 के चाइल्ड को मेंशन किया आर। फिर मैंने क्या किया, क्यू और आर की लिंकिंग कर दी। कैसे लिंकिंग की, अगर 5 अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है तो मैंने क्यू का राइट चाइल्ड आर को बना दिया, अगर 5 अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड होता तो मैं आर को क्यू का लेफ्ट चाइल्ड बना देता। सो ये हम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ओके। नाउ इसको सबसे पहले हम लिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये केस वन है, तो मैं यहाँ पे एक फ्रेश लिखने की कोशिश करता हूँ या इसके नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ केस वन। नाउ केस वन को केस टू को लिख रहा हूँ मैं जिसमें कि सिंगल चाइल्ड का केस है। लेट मी राइट इट विद अ डिफरेंट कलर पेन। तो डिफरेंट ये जो टू केस नंबर टू है वो पहले के एल्स में है, इसका मतलब क्या है कि दोनों चाइल्ड नहीं है ऐसा केस नहीं है। तो दोनों चाइल्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि सिंगल चाइल्ड है। सिंगल चाइल्ड को हम कैसे देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि पी डॉट लेफ्ट नल हो या पी डॉट राइट नल हो। पी वो नोड है जिसको मुझे डिलीट करना है, तो मुझे क्या करना है कि ये देखना है कि दोनों में से कोई एक नल है तो मेरा केस टू चलेगा। तो अब इसमें आप ये चेक कर लीजिए कि अगर पी डॉट लेफ्ट नल है, अगर पी डॉट लेफ्ट नल है तो उस केस में जो राइट चाइल्ड है वो एग्जिस्ट करेगा। तो राइट चाइल्ड को आप आर मान लीजिए, जो पी नोड है उसके राइट चाइल्ड को आर मान लीजिए। आप एक काम और कीजिए कि पी का जो फादर है उसको क्यू मान लीजिए, क्योंकि आपको लिंकिंग करनी पड़ेगी पी और आर की, नहीं अदरवाइज इसका इस else का ये मतलब है कि P का लेफ्ट नल नहीं है बल्कि P का राइट नल है। तो अगर P का राइट नल है तो उस केस में R को आप मान लीजिए P का लेफ्ट और Q को मान लीजिए P का फादर। एक लाइन आप बचा सकते थे कि P डॉट फादर को आप कॉमन लिख सकते थे। एनीवे दिस विल आल्सो वर्क। आपने R नोड वो ले लिया जो कि चाइल्ड है P का। अब अगर आप एक बार फिर से ध्यान से देखें इस केस को, तो हमने किसी भी लिंकिंग करने के लिए Q और R की हमने पहले यह देखा था कि नोड जो डिलीट होने जा रहा है वो अपने फादर का लेफ्ट चाइल्ड है कि राइट चाइल्ड है। अगर ये अपने फादर का लेफ्ट चाइल्ड है तो हम क्यू का लेफ्ट चाइल्ड आर को बनाते हैं और अदरवाइज क्यू का राइट चाइल्ड बनाएंगे आर को।
तो अगर जिस नोड को हमें डिलीट करना है वो राइट चाइल्ड है तो हम राइट बनाएंगे। ओके फाइन, सो हमने क्या किया यहाँ पे दो स्टेटमेंट का यूज किया कि क्यू का लेफ्ट या राइट चाइल्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पी नोड अपने फादर का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। सो हम फिर से इज लेफ्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जो मुझे ये जानकारी दे देगा कि जो पी नोड है वो अपने फादर का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। सो इफ इज लेफ्ट पी देन क्यू डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू आर, और अदरवाइज इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट नहीं है तो राइट होगा, तो राइट होगा तो क्यू डॉट राइट इज इक्वल्स टू आर। फाइन, तो या तो लेफ्ट चाइल्ड होगा या राइट चाइल्ड होगा और अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले लेंगे कि हमें लेफ्ट में डिलीट करना है या लेफ्ट में सेट करना है या राइट में सेट करना है। लेकिन चाहे हम लेफ्ट में सेट करें चाहे राइट में सेट करें एक काम कॉमन होगा, कौन सा काम फिर से देखते हैं स्ट्री को, आर का फादर क्यू बनेगा, चाहे कोई भी केस होगा आर का फादर क्यू बनेगा। तो ये जो लाइन है वो कॉमनली लिखी जाएगी यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस इफ और इस एल्स के बाद आर डॉट फादर इज इक्वल्स टू आर डॉट फादर दिस इज इक्वल्स टू। सो बहुत ही सिंपल सा टास्क था जो कि हमने जिससे हमने केस नंबर टू को डील कर दिया, लेकिन अभी पूरा डील नहीं हुआ क्योंकि हमने नोट को डिलीट नहीं किया। आपने अभी भी देखा था कि जो एक कॉमन एक्टिविटी है वो हमें करनी है डिलीशन के लिए, क्या करना है जो नोट डिलीट होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन को सेव करना है और उसके बाद फिर इस डिलीटेड नोट की मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देना है, और इसके बाद एक और काम करना है कि हमें इस डाटा वैल्यू को रिटर्न। सो ये हमने केस टू को डील कर लिया। अब आइए हम केस थ्री की बात करते हैं। केस थ्री क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन नोड के दोनों चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं, तो लेट्स टेक दिस विद मार्कर कि हमें एक ऐसे नोड को डील करते हैं जिसके दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नोड नंबर 11 की बात कर रहे हैं, इस नोड के दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं 9B और 14B, तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सक्सेसर फाइंड करेंगे। 11 का सक्सेसर मुझे राइट में मिलेगा और राइट की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 12, तो इस हम 12 के साथ डील करेंगे और 12 को डिलीट कर देंगे। 12 किस किस केस से डिलीट होगा, केस नंबर 1 से 0 चाइल्ड वाले केस से डिलीट होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पहुँचा देंगे, मतलब कि डिलीटेड नोड की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम जो नोड पहले से डिलीट होना था उस वहाँ पे पहुँचा देते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि जो सक्सेसर नोड है उसको डिलीट कर दिया और इस डिलीटेड इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पहुँचा दिया। एक और केस देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको 2 को डिलीट करना है, तो अगर आपको 2 को डिलीट करना है तो इसके दोनों चिल्ड्रन हैं, तो आप क्या करो इसका सक्सेसर फाइंड कर लो राइट की तरफ, और राइट की तरफ है 3 और 3 को डिलीट कर दो, और उसके बाद ये 3 इन्फॉर्मेशन जो आपको ओरिजिनली डिलीट करना था नोड वहाँ पे पहुँचा दो। फाइन, एक और केस लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको लेट्स से आपको डिलीट करना है इस 4 को, तो अगर 4 को डिलीट करना है तो आप क्या करो 4 का सक्सेसर फाइंड करो, 4 का सक्सेसर राइट का मिनिमम होगा मतलब 5 होगा, 5 को आपको डिलीट करना है। 5 कैसे डिलीट होगा, 5 केस 2 से डिलीट होगा, और उसके बाद फिर आप इस नोड की इंफॉर्मेशन को वहां पहुंचा दो जो पहले आपको डिलीट करना था। तो इस तरह से जो केस 3 है जिसमें दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं वहां पे हम इन केसेस को ऐसे डील करेंगे। तो अभी नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फाइनली हम समराइज कर लेंगे। तो हम एक और एल्स लगाते हैं जो कि हम मान रहे हैं कि ये एल्स वहां से चला आ रहा है, ये इसके एक कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हमारे दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन को कॉल करते हैं जिस फंक्शन का नाम है BST सक्सेसर। आपको याद होगा वो एक फंक्शन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो BST सक्सेसर फंक्शन को हम कॉल करते हैं और सक्सेसर फंक्शन मुझे पी नोड का सक्सेसर दे देता है। फिर मैं क्या करता हूं कि इस क्यू नोड को डिलीट कर देता हूं, और मैं मानता हूं कि BST डिलीट फंक्शन है जो अभी तक हमने डिज़ाइन किया है, इसी फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल कर लेते हैं जिससे कि क्यू नोड का डिलीशन रिकर्सिवली हो जाए, और ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन देगा लेट्स से
मैं इस इंफॉर्मेशन को किसी वाई वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, जो नोड मुझे ओरिजिनली डिलीट करना था, जो नोड मुझे ओरिजिनली डिलीट करना था वो पी था। लेट से इस पी नोड का जो डेटा एलिमेंट है मैं इसको सेव करता हूँ किसी एक्स वेरिएबल में, और मैं पी के इंफॉर्मेशन या डाटा फील्ड में अब नई वैल्यू सेट कर देता हूँ, वो सक्सेसर जो कि डिलीट हो गया है उसकी उसका डाटा वैल्यू, और फाइनली एक्स को मैं रिटर्न कर दूंगा क्योंकि ओरिजिनली तो डिलीट पी को डिलीट करना था, तो पी का जो डेटा है वो रिटर्न होगा। तो मैंने बी एस टी डिलीट फंक्शन को कॉल किया और ये रिकर्सिवली कॉल कर लिया जिससे कि मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो आइए अब इसके हेडर और फूटर लिख लेते हैं जिससे कि ये एल्गोरिथम मुझे कंप्लीट दिखे। तो मैंने क्या किया, ये जो मैंने अभी तक जो भी लिखा है एल्गोरिथम, इसमें ऊपर एक फंक्शन का नाम दे देते हैं बी एस टी डिलीट फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम दे देते हैं हम बी एस टी डिलीट फंक्शन। और इस बी एस टी डिलीट फंक्शन में जो पैरामीटर पास है वो केवल एक पी है जो कि टारगेट नोड और डिलीशन के लिए, मुझे एल्गोरिथम कीवर्ड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बिगिन ऐड करना पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो कमेंट लाइंस लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है। केस वन, केस वन का मतलब क्या है, जीरो चाइल्ड वाला केस डिस्कस हो रहा है। फिर इसके नीचे ब्लू कलर में हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, केस टू डिस्कस कर रहे हैं। केस टू का क्या मतलब है, ऐसा केस जिसमें कि गिवन नोड के सिंगल चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। और यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट में केस थ्री डिस्कस कर रहे हैं जो ये डिस्कस कर रहा है कि अगर दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं गिवन नोड के तो हम कैसे डिलीशन करेंगे। फाइनली जब आपका सारा ऑपरेशन कम्प्लीट हो गया तो यू कैन अप्लाई द एंड कीवर्ड टू फिनिश द एल्गोरिथम। सो दीज आर दी cases by which we can perform the division. I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर